नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन, एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे हिस्ट्री की, तो फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वाज यूज्ड बाय प्रिमिटिव पीपल, यानी कि जो शुरुआती दौर के जो लोग थे उन लोगों ने काउंटिंग डिवाइसेस का यूज़ करना शुरू किया काउंटिंग करने के लिए एकदम शुरुआत से। जो सब जब ह्यूमन बीइंग, जो हमारा मानव जाति, ये जब शुरू हो रहा था तब से ही वो यूज़ करते थे स्टिक्स का, स्टोन्स का, बोन्स का एज अ कैलकुलेटिंग टूल्स या फिर काउंटिंग टूल्स के रूप में। मतलब गिनने के लिए, गणना करने के लिए वो स्टिक्स, स्टोन्स और बोन्स का जो है यूज़ किया करते थे। जैसे जैसे ह्यूमन माइंड और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, समय के साथ बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपके डेवलप होते गए। उसी सीरीज में बहुत सारे पॉपुलर काउंटिंग डिवाइसेस डेवलप हुए, तो हम एक एक करके उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एबेकस की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ एबेकस। ऐसा कहा जाता है कि एबेकस की जब से शुरुआत हुई, जब से जन्म हुआ एबेकस, तब से ही कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है कि कंप्यूटर की दुनिया तब से ही कहीं ना कहीं शुरू हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एबेकस को चाइनीज ने, मतलब चाइना के लोगों ने लगभग 4,000 साल पहले इसको इन्वेंट किया था। इसमें क्या होता है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये एबकस है ना। इसमें क्या होता है, एक वुडन रैक होता है और उसके साथ लगे हुए मेटल रॉड्स होते हैं। ये देखिए, इसमें रॉड लगा हुआ है, बीड्स माउंटेड होते हैं उनके ऊपर। ये जो बीड्स होते हैं ये मूव कर सकते हैं। एबकस को जब हम ऑपरेट करते हैं तो इन बीड्स को हम मूव कर सकते हैं और कुछ रूल्स के हिसाब से ये परफॉर्म करता है हमारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन को। एबकस आज भी यूज हो रहा है चाइना, रसिया, जापान जैसी कंट्रीज में। बच्चों को कैलकुलेशंस या फिर काउंटिंग सिखाने के लिए एबकस का यूज़ किया जाता है। फिर एबकस के बाद जो चीज़ आई वो थी नेपियर बोन्स। साइड में आप जो देख रहे हैं ये नेपियर बोन्स की पिक्चर है। ये मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसे न्यूजीलैंड में एक जगह है मर्चिसन, वहीं के जॉन नेपियर थे, उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था, इस डिवाइस को। इसमें 9 डिफरेंट इवोरी स्ट्रिप्स या फिर बोन्स मार्क्ड होते थे विथ नंबर्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। इस टूल का जो नाम इसीलिए नेपियर बोन्स पड़ा क्योंकि इसमें बोन्स का यूज किया गया था और जॉन नेपियर ने इसे बनाया था। ये पहली मशीन मानी जाती है जो डेसिमल पॉइंट्स का यूज इसमें होता था। फिर आगे पैस्कलिन आया। पैस्कलिन को अरिथमेटिक मशीन या फिर एडिंग मशीन भी कहा जाता है, या एडिंग मशीन या अरिथमेटिक मशीन के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसका जो इन्वेंशन है वो 1642 से 1644 के बीच में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे ब्लेज पास्कल, उनके द्वारा किया गया था इसका इन्वेंशन। इट इज बिलीव दैट इट वाज द फर्स्ट, ऐसा माना जाता है कि पहला मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ये जो कैलकुलेटर था ये पहला आपका मैकेनिकल या फिर इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है पास्कलिन को। पास्कल ने इसका इन्वेंशन किया था इस मशीन का अपने फादर का हेल्प करने के लिए। इनके फादर एक टैक्स अकाउंटेंट थे, तो उनकी मदद के लिए पास्कल ने इस मशीन का जो इन्वेंशन किया था। ये केवल जो है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही परफॉर्म करता था। इसमें क्या था कि वुडन बॉक्स थे और कुछ
सीरीज गियर्स और व्हील्स की लगी हुई थी इसमें। व्हेन अ व्हील रोटेट, जब व्हील एक रोटेट होती थी तो वो एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर जब वो घूमती थी तो वो नेबरिंग व्हील्स को भी घुमाती थी। अ सीरीज ऑफ विंडोज इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द व्हील टू रीड द टोटल्स। तो जो सीरीज वो विंडोज ऊपर दिया हुआ था उस विंडोज के टॉप पर तो व्हील्स जैसे रोटेट करता था उस हिसाब से इसका रिजल्ट हमें मिलता था और यहाँ पे टोटल यहाँ पर हमें मिल जाता था विंडोज में। देन उसके बाद स्टेप्ड रैकनोर और फिर या फिर लेबनिट्ज व्हील आया। इसको डेवलप किया था जर्मन के मैथमेटिशियन और फिलोसोफर गॉटफ्रिड ने, गॉटफ्रिड विलेम लेबनिट्ज ने 1673 में इसको डेवलप किया था। इन्होंने इम्प्रूव किया था, पास्कल ने जो इन्वेंशन किया था, जो मशीन इन्वेंट की थी उसमें इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, इम्प्रूवमेंट लाया था थोड़ा सा। इट वॉज अ डिजिटल मशीन या फिर डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कहिए इसको, विच वॉज कॉल्ड द स्टेपर स्टेप्ड रैकनोर। ये जो बनाया था आपके पास्कल ने उसी को, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया इन्होंने और इसको डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया और इस मशीन का जो नाम था वो स्टेप्ड रैकनोर रखा गया। एज इंस्टेड ऑफ गियर्स इट वॉज मेड ऑफ फ्लब्ड ड्रम्स। जहाँ पे वो गियर्स लगाए थे पास्कल ने, जहाँ पे गियर्स का यूज किया था उसकी जगह इन्होंने फ्लूटेड ड्रम्स का यूज किया था। देन उसके बाद अस्तित्व में आया डिफरेंस इंजन जो कि अर्ली 1820s में आता है और इसको डिजाइन किया था चार्ल्स बैबेज ने, जिसे कई आज के डेट में फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है चार्ल्स बैबेज को। इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर, ये मैकेनिकल कंप्यूटर था जो सिंपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता था। इट वाज अ स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन, ये स्टीम के हेल्प से चलता था, स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन था। इसको डिजाइन किया गया था टू सॉल्व टेबल ऑफ नंबर्स, यानी जैसे आपके जो लॉगरिथम्स टेबल्स होते हैं उस तरह की कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए इस मशीन को डेवलप किया था चार्ल्स बैबेज ने। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को ही कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन की बात करें तो ये भी क्या था, कैलकुलेटिंग मशीन था जिसे डेवलप किया था चार्ल्स बैबेज ने ही लगभग 1830 में। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर, ये मैकेनिकल कंप्यूटर था डैट यूज पंच कार्ड्स, ये पंच कार्ड्स का यूज करता था एज इनपुट, इसमें इनपुट दिया जाता था, जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड होता था। इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज ए परमानेंट मेमोरी, यानी इनपुट के रूप में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट यहाँ पर पंच कार्ड के रूप में लिया जाता था इस मशीन में। और ये मशीन जो थी ये कैपेबल थी किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और जो आउटपुट यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन था उसे परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के कैपेबल थी। देन इसके बाद अस्तित्व में आया आपका टेबुलेटिंग मशीन, इसका इन्वेंशन 1890s के आसपास हुआ, हरमन हॉलरिथ ने किया था जो एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियंस थे। इट वाज अ मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड, ये एक मैकेनिकल टेबुलेटर था जो कि पंच कार्ड पर बेस्ड था। इट कुड टेबुलेट स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और सॉर्ट डेटा और इंफॉर्मेशन, ये स्टैटिस्टिक्स को टेबुलेट करता था, टेबल के फॉर्म में उसका जैसे जो डेटा होता है उसको टेबुलेशन करते हैं और उनको रिकॉर्ड करता था, इंफॉर्मेशन जो था या फिर जो डेटा था उसको सॉर्ट भी करता था। दिस मशीन वॉज यूज इन 1890
यूएस सेंसस, और इस मशीन का जो 1890s का यूएस सेंसस था उसमें यूज किया गया था। होलेरिथ आल्सो स्टार्टेड द होलेरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, और इन्होंने अपनी कंपनी भी शुरू की, होलेरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन कंपनी स्टार्ट किया था, जो बाद में आपकी, जिसे आप एक ब्रांड के नाम से जानते हो, IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यही बनी, यही कंपनी आपकी कन्वर्ट हो गई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में 1924 में। फिर ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये डिफरेंशियल एनालाइजर है। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1930 में ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो इंट्रोड्यूस हुआ था। ये एक एनालॉग डिवाइस था जिसका इन्वेंशन वेनेवर बुस ने किया था। दिस मशीन हैज़ वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे, जो सिग्नल किस तरह से जाता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इनपुट यहाँ पर जाता था, और ये 25 कैलकुलेशंस जो है वो फ्यू मिनट्स में कर लेता था। ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1930 यूनाइटेड स्टेट में, इसका इन्वेंशन वेनेबर बुश ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्क वन, द नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगेन इन 1937। एक बहुत बड़ा चेंज आता है कंप्यूटर की दुनिया में। हार्वर्ड एकन प्लान टू डेवलप अ मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर। वो डेवलप करते हैं एक मशीन को जो बहुत ही लार्ज नंबर के जो कैलकुलेशंस होते हैं, जिनमें जिन कैलकुलेशन में बहुत लार्ज नंबर यूज होते हैं, उसको भी वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। वो ऐसा प्लान बनाते हैं कि एक ऐसी मशीन बनाए कि जिसमें लार्ज नंबर के कैलकुलेशन अगर इन्वॉल्व हों तो उसको भी वो परफॉर्म करें। तो 1944 में मार्क वन कंप्यूटर जो है वो बिल्ट हुआ, पार्टनरशिप बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड। ये हार्वर्ड और IBM के पार्टनरशिप, मतलब दोनों लोगों ने मिल करके इसे बिल्ड किया 1944 में। इट वॉज फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, ये सबसे पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, अब अगर बात करें कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स को कई जनरेशन में बांटा गया है। तो इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिफर्स टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिफर क्या करता है कि कुछ स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स हुई कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में समय के साथ। तो इन 1946 इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज कॉल्ड सर्किट्स वेयर डेवलप टू परफॉर्म द काउंटिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज थे जिन्हें सर्किट्स कहा गया, वो डेवलप हुए काउंटिंग को परफॉर्म करने के लिए। इट रिप्लेस द गियर्स, गियर्स का रिप्लेसमेंट हो गया, अदर मैकेनिकल पार्ट वेयर यूज फॉर काउंटिंग इन द प्रीवियस काउंटिंग मशीन्स। तो यहाँ पे गियर्स और या फिर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैकेनिकल पार्ट्स यूज होते थे काउंटिंग मशीन्स में, पहले की काउंटिंग मशीन्स हैं, वो सब रिप्लेस हो गए, चेंज हो गए समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई। इन ईच न्यू जनरेशन द सर्किट बिकेम स्मॉलर एंड मोर एडवांस्ड। तो जैसे जैसे जनरेशन में यहाँ बढ़ते हैं, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सर्किट्स है हमारी वो स्मॉल होते चली जाती है और साथ ही साथ और एडवांस भी होते चली जाती है पिछले जनरेशन के सर्किट के कंपेरिजन में। मिनी एचुराइजेशन हेल्प इंक्रीज द स्पीड, मेमोरी एंड पावर ऑफ कंप्यूटर। और ये जो चेंजेज होता है इससे कंप्यूटर की जो स्पीड है, उसकी जो मेमोरी है, उसकी पावर, ये सब कुछ इंक्रीज होते चला जाता है। तो इसी चेंजेस के बिहाव पे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बिहाव पे कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
ये पहला जनरेशन माना जाता है लगभग 1946 से 1959 तक, कहीं कहीं ये आपको 1946 से 1955 भी मिलेगा। तो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो स्लो था, बहुत ही धीरे काम करता था, यूज था, बहुत ही बड़ा था और एक्सपेंसिव, काफी महंगा भी था। इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज एज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी में जो सबसे बेसिक कंपोनेंट्स यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था। दीज कंप्यूटर्स वर मेनली डिपेंडेंट ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड। इस तरह के जो कंप्यूटर्स थे इस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट थे? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे और पंच कार्ड्स पे। मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज एज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप को एज अ आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता था। कुछ जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो कौन कौन से थे? इनियट, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एडवैग, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैग, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 701, IBM 650। ये फर्स्ट जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन, जैसा आपको बताया था, अगर आप 1955 पे फर्स्ट जनरेशन को ओवर करते हो तो 1955 टू 65, तो यहाँ पर 1959 से 65 तक सेकंड जनरेशन को रखा गया। इस इरा में क्या हुआ इस टाइम पे कि जो वैक्यूम ट्यूब थे उनकी जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लगा। दिस कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स विच वर चीप, कॉम्पैक्ट एंड कंज्यूमिंग लेस पावर। ये जो ट्रांजिस्टर्स थे जो वैक्यूम ट्यूब की जगह आकर के यूज होने लगे वो काफ़ी चीप थे वैक्यूम ट्यूब के कंपेरिजन में, कॉम्पैक्ट भी था, थोड़ा उससे छोटा भी था और लेस पावर को कंज्यूम करता था। इट मेड ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर्स फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और इसकी वजह से क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये जो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स थे ये और फास्ट थे। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। जो मैग्नेटिक कोर्स था उसे प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है, एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप वर यूज्ड एज द सेकेंडरी मेमोरी। देखिए यहीं पे इंट्रोड्यूस हो जाती है आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक कोर्स यूज होता है और सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक डिस्क और टेप का यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होते हैं, जैसे आपके कोबोल हैं और फॉरट्रान, एंड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में या असेंबलिंग लैंग्वेज के रूप में कोबोल और फॉरट्रान का यूज होता है यहाँ पर। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता है। जिसके पॉपुलर सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैग 1108। देन आपका आगे आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1965 के बाद से लगभग 1971 के पीरियड को कवर करता है। इसमें आपका इंटीग्रेटेड जो ट्रांजिस्टर था उसकी जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। अ सिंगल आईसी कैन पैक ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। एक सिंगल आईसी में बहुत बड़े नंबर में जो ट्रांजिस्टर थे वो रहते थे, विच इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर एंड रिड्यूस द कॉस्ट। पहले जो ट्रांजिस्टर्स थे वो बड़े थे तो उनकी साइज को कम भी कर दिया गया, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनी उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स रहते थे, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर की पावर थी वो भी इंक्रीज हो गई, जो उसकी कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई। कंप्यूटर आल्सो बिकेम मोर रिलायबल, इफिशियंट एंड स्मॉलर इन साइज। कंप्यूटर और भी रिलायबल हो गया, और भी विश्वसनीय हो गया, इफिशियंट हो गया, और इसकी जो साइज थी वो भी स्मॉल हो गई।
दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज रिमोट प्रोसेसिंग, इस टाइम पे के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें एज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती थी, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज होते थे, जैसे कि आपका फॉर्टोन सेकेंड टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल, PL1, एल्गोल 6-8, ये सारे जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे ये इस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होते थे। इसके जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स हैं वो IBM 360 सीरीज है, हनीवेल 6000 सीरीज है, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 168, TDC 6316, ये कंप्यूटर जो है इसके इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स हैं। फोर्थ जनरेशन में देखिए क्या होता है, जो कि 1971 से 1980 के टाइम पीरियड को कवर करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स थी उसकी जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगता है। एक चिप की तरह होता है, कंटेनिंग मिलियन ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स, ये बेसिकली एक चिप की तरह होता है और इसमें बहुत सारे मिलियंस ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और फिर दूसरे एलिमेंट्स जो सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं वो लगे होते हैं। दीज चिप्स मेड दिस जनरेशन कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, और भी इसको कॉम्पैक्ट बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं और अफोर्डेबल बनाते हैं। दीज जनरेशन कंप्यूटर्स यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज होते हैं वो सी, सी प्लस प्लस, डी बेस, इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है इसमें। और जो इसके पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं इस पीरियड के, डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 जो कि एक सुपर कंप्यूटर भी है, क्रे 1, क्रे XMP ये भी एक सुपर कंप्यूटर है आपका। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें अगर, तो 1980 से लेकर के अभी तक के जो आपके कंप्यूटर्स हैं टिल डेट, ये कंप्यूटर्स आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहे जाते हैं। इसमें जो वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी थी वो रिप्लेस हो गई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से। इट मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विथ 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स यूज होते हैं इसमें लगभग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कहीं ना कहीं होते हैं इसमें। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। इस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हार्डवेयर तो यूज ही होता है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसमें थी वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET एटसेट्रा। और जो इसके पॉपुलर फीचर कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप जो आज आप देखते हो लैब्स में या घरों पे लोगों के होता है, लैपटॉप यूज करते हो आप, नोटबुक यूज करते हो, अल्ट्रा बुक या फिर क्रोम बुक, ये सब क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। अगर टेबल फॉर्म में इसको सॉर्ट करें थोड़ा सा, तो जनरेशन देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है और टेक्नोलॉजी या फिर जो कंपोनेंट उसमें यूज किए गए। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपको। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ, और फिफ्थ जनरेशन में आपका अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो सिलिकॉन चिप होती है उसका यूज किया गया। कंप्यूटर के डेफिनेशन की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी, यानी कि ये पहली चीज तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दूसरी चीज ये ऑपरेट करता है इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है, एक कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन पे ये ऑपरेट करता है। अब वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है, इसकी अपनी खुद की मेमोरी, ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट द डेटा
डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, जो रूल बताए जाते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग उस डेटा को वो प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन को एज अ आउटपुट। आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन देता है फिर, या रिजल्ट देता है, और उस रिजल्ट को स्टोर या जो इन्फॉर्मेशन है उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी करता है। तो इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन आप कहोगे, क्या कहोगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, इसकी मेमोरी में कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके जिन्हें इंस्ट्रक्शंस के बिहार पे वो ऑपरेट करता है, इनपुट को एक्सेप्ट करता है और जो स्पेसिफाइड जो उसको रूल बताया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है, फिर इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है और फ्यूचर यूज के लिए उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है। अब इसमें जो हमारे मेन टर्म्स यूज हुए, इनपुट इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट क्या है, इनपुट इज द रॉ इंफॉर्मेशन इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। किसी इनपुट डिवाइस की हेल्प से अगर कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं तो वो हमारा इनपुट कहलाता है। ये क्या हो सकता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड इमेजेस, ये आपका लेटर नंबर या फिर इमेजेस का कलेक्शन हो सकता है या होता है, लेटर नंबर इमेजेस का ही कलेक्शन होता है जो रॉ इन्फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसी इंस्ट्रक्शन पे जो ऑपरेशन डेटा के साथ वो जो ऑपरेशन करता है उसे प्रोसेस कहा जाता है। इट इज टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल प्रोसेस होता है। आउटपुट क्या है कि आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग, जब कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग करता है तो उसके बाद जो हमें प्रोसेस्ड डेटा देता है उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। आउटपुट को हम रिजल्ट भी कहते हैं। वी कैन सेव दीज रिजल्ट्स इन द स्टोरेज डिवाइसेस फॉर द फर्दर या फ्यूचर यूज, हम फ्यूचर यूज के लिए जो ये जो हमारा रिजल्ट था हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर के एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, यानी कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है कि वो रूटीन टास्क को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ जो है परफॉर्म कर सकता है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग जितनी भी तेज़ी से काम करेगा उसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंप्यूटर किसी भी रूटीन टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ये एबिलिटी इसके पास होता है। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को विद इन अ सेकेंड कर सकता है। एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कंप्यूटर जो भी टास्क को परफॉर्म करता है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ करता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है उसके रिजल्ट्स में आउटपुट में। स्टोरेज की भी इसके पास अपनी क्षमता है कि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। डेटा और एनी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी रिट्राइव्ड बाय द कंप्यूटर एट लाइटनिंग स्पीड। एक तो पहली चीज़ कही, ये बहुत लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है, और फिर सोचे कि जहाँ लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन है तो वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कितनी जल्दी से इन्फॉर्मेशन जब हम फ्यूचर में उसको ढूंढने तो मिल जाए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर लाइटनिंग स्पीड के साथ होती है कि जो भी हम मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस या डेटा स्टोर करके रखे हैं वो रिट्राइव भी उसे मतलब खोज के बहुत जल्दी लाइटनिंग स्पीड के साथ निकाल के लेके चला आता है, चाहे कितना भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो बहुत फास्ट करता है ये चीज़। ये भी इसका अपना एक एडवांटेज है। ऑटोमेशन की बात करें तो कंप्यूटर कैन इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर जो है कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेता है जो इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, अपने काम को ऑटोमेटिक तरीके से परफॉर्म करता है, इसलिए जो हमें आउटपुट है वो बहुत ही जल्दी मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलता है पर्टिकुलर टाइम में जो कि इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। डिलीजेंस की बात करें तो ये सेम टास्क को रिपीटेडली बार बार कर सकता है और सेम एक्यूरेसी के साथ,
और वो भी बिना थके हुए। इंसान के साथ क्या है कि अगर आप कोई एक चीज कहिए उसे करने को, और कहिए कि आप इसी काम को बार बार करिए, तो एक तो बात ये हो सकती है कि बार बार करने पे हो सकता है कि मिस्टेक्स भी हो जाए ह्यूमन बीइंग से कुछ, वो थक भी जाए उस चीज को करने में, पर कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वर्सेटाइल, ये फ्लेक्सिबल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सिंपल चीज़ों को भी, सिंपल टास्क को उसको भी परफॉर्म कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल टास्क होगा तो उसको भी परफॉर्म कर लेगा, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। ये रिड्यूस कर देता है पेपर वर्क को और ह्यूमन एफर्ट को, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है, हमारे वर्क का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है ना। अगर हमें सोचिए, अगर हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो ऑन पेपर हार्ड कॉपी में, तो कई बार क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स का कोई डेटा होता है, किसी चीज़ का रिजल्ट होता है, तो पूरा एक रूम भरा पड़ा होता है उससे, या एक बुक की इंफॉर्मेशन महज वो छोटे से लैपटॉप में आपको इकट्ठा होकर के मिल जाती, स्टोर रहती है। एक नहीं, आप इसमें हजारों बुक स्टोर करिए, है ना। और अगर हमें कोई काम करना हो, रिजल्ट हमें चाहिए, तो वो सब कुछ मतलब पेपर वर्क को पूरी तरह से ये कम कर देता है, और ह्यूमन इफर्ट्स को भी कम करता है, तो कॉस्ट को रिड्यूस करता है ये। लेकिन इसकी भी अपनी एक कुछ लिमिटेशंस हैं, कंप्यूटर की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि कंप्यूटर नीड क्लियर एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क एक्यूरेटली। वो भी टास्क है, उसको एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए उसको क्लियर एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन चाहिए। अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर नहीं है या फिर आधा अधूरा है, तब वो जो आपका टास्क है उसको परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। और जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं देगा। और इसके जो दूसरी लिमिटेशन है वो क्या है कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता है कि वो आपने उसमें इनपुट दे दिया या फिर उसके पास कुछ इनपुट है, तो वो अपने आप सोचे कि हाँ हम ये रिजल्ट दे देते हैं, सामने वाले को इसकी ज़रूरत है ना। और तीसरी चीज़ क्या है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखता नहीं है। अगर आपको इससे कोई काम दोबारा करवाना है, या तिबारा करवाना हो, या आप 10वीं बार उससे वही काम करवा रहे हो, तो अपने एक्सपीरियंस से सीखता नहीं है, आपको फिर से जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा उस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।